हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। सोजत सर्कल में 2021 में लगातार 17वीं सफल कार्रवाई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशा और सोजत सर्कल के डीवा एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाकर के सुपरविजन में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोजत सर्कल पुलिस को लगातार 17वीं सफल कामयाबी मिली। सोजत सर्कल के मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना अधिकारी मोहन सिंह भाटीमय टीम द्वारा 2 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के खारची ग्राम के हरी राम पुत्र मांगीलाल जाति सेन को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया। सोजत डीवाईएसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाकर ने बताया कि सोजत सर्कल में पिछले 1.5 वर्ष में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की ये 41 ही कार्रवाई है, तो वही लगातार 2021 में 17वीं सफल कार्रवाई रही। गिरफ्तार किए गए तस्कर से पुलिस टीम द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही, जिससे तस्करी के और भी बड़े खुलासे होने के आसार लग रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत डीवाईएसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, इन्होंने ये कहा। सोजत सर्किल में ड्रग माफिया और अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में SHO मारवाड़ जंक्शन श्री मोहन सिंह जी को मुखबिर खास से ये इत्तला मिली कि जाडन से खारची के रास्ते पर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा है। सूचना के पश्चात SHO श्री मोहन सिंह ने नाकेबंदी करवाकर संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया। उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास अवैध मादक पदार्थ है। सूचना के पश्चात NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत उसकी तलाशी ली, जिससे उस तलाशी में उसके पास 2 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा मिला। मौके पर ही अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की जांच SHO श्री हमीर सिंह को सौंपी गई है। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।